हमारा प्रोग्राम बन रहा है वृंदावन जाने का। राधे 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 राधे। इतना खाने पीने का हम सामान लेके आए हैं ना, आते ही हमने अपने दो घंटे का सफर में दो साल का सामान रख लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और हस्बैंड अभी गए हुए हैं सिद्धार्थ को लेके, एकेडमी गए हुए हैं तो वो थोड़ा रुक के ही आते हैं, वहाँ पे अपनी वॉक और ये सब ख़त्म करके आते हैं। हो गया उसको काफ़ी टाइम जाए हुए, अभी हो गया 7:30 और 7:45 बजे ही वो लोग निकल गए थे। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अपनी चाय वगैरह पी। हमारा प्रोग्राम बन रहा है वृंदावन जाने का, और मतलब वैसे तो हम सोच रहे हैं 1.5 महीने से, लेकिन कल शाम को आते ही बोला हस्बैंड ने कि ऑफिस में काम ना थोड़ा सा कम है, तो मैं सैटरडे यानी आज की छुट्टी ले सकता हूँ, थोड़ा काम कम है तो सैटरडे संडे में 2 दिन मिल जाएंगे, तो आज निकल लेते हैं दोपहर तक। शाम को मतलब कैसे हमारा प्रोग्राम रहेगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वही हम प्लान कर रहे हैं अभी। वो वहाँ पे बैठ करके ना रूम बुकिंग वगैरह देख रहे हैं, अगर हमें बुकिंग मिल जाती है तो हम निकल जाएंगे। और वैसे मैं काम जो अपना है उसी हिसाब से फिनिश कर रही हूँ ताकि मैं दोपहर तक अपना सारा काम फिनिश कर पाऊँ। अभी मैं थोड़ा किचन देखने जा रही हूँ और रास्ते के लिए खाना भी बनाना है, थोड़ी देर में आपको अपडेट करती हूँ। अगर रूम मिल गया हमें, बुकिंग हो गई, तो फिर मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर नहीं मिला जस्ट इन केस रूम या फिर हमारा प्लान चेंज हो गया किसी रीज़न की वजह से, देन ये फिर ब्लॉग जाएगा ही नहीं, आप ऐसे देखोगे ही नहीं मुझे। किचन में थोड़ा सा कुछ कुछ करना है, डिशवाशर वगैरह मुझे खाली करना है, रात बर्तन लगाए थे ना मैंने सब धुल गए हैं तो वो करना है, और यहाँ पे कपड़े रखे हैं और कपड़े लगाने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े निकाल के रख दिए हैं सारे, ये सिद्धार्थ की ड्रेस है, मैंने भी निकाल के रखे हैं, इनमें से जो पसंद करेगा या उसके पापा बोलेंगे उस हिसाब से मैं पैक करूँगी। और यहाँ पर मेरे बाय द वे हो गया है, रूम बुक हो गया है, इसीलिए मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ। ये एक मेरा सूट एकदम नया ही है अभी, और ये भी मैंने पहना नहीं है अभी, टैग भी लगे हुए हैं दोनों में, तो ये वाले सोच रही हूँ क्योंकि 1.5 डे की ट्रिप है, तो वैसे ऑन रोड सारा लेके टाइम मिला है तो 2 दिन हो गया, लेकिन हम 1 नाइट स्टे कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो उसके हिसाब से 2 दिन हमें मंदिर विजिट करना है। आज शाम को हम प्रेम मंदिर जाएंगे और कल के दिन हम लोग जो बाके बिहारी मंदिर इस्कॉन टेम्पल मॉर्निंग टाइम में विजिट करके देन वापसी हो जाएगी हमारी। तो ये दो लिया है, मे बी रास्ते में मैं वो पहन के जाऊँ, ये भी नया ही है बट ये एक ड्रेस है, तो गाड़ी में कंफर्टेबल होने के लिए मैं ये ले सकती हूँ। और ये इसके साथ में एक श्रग है, ये अलग है, इसके साथ में नहीं है, तो ये भी मैंने कभी नहीं पहना है। ये सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, ये भी डिस्कस करके ही मैं हस्बैंड से पैक करूँगी। बाकी मुझे ट्रॉवल वगैरह भी रखनी है एक दो, वैसे तो होटल में अवेलेबल होगा सब कुछ बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत अपना कुछ सामान रखना चाह रही हूँ। और एक ये साइज़ की ट्रॉवल ये रख लूँगी, ये हाथ मुँह पोंछने के लिए थोड़ा सा लगता है ना मेरे को, टॉवल वगैरह यूज़ करने में इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम गाड़ी से ही जा रहे हैं ना, तो हम कितना भी लगेज ले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, तो इसीलिए क्यों ना ले जाएं। वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जहाँ पे आपको लगेज सोच समझ के रखना हो, कहीं दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी है तो फिर टॉवल्स वगैरह तो कैरी कर। चाहे आप 2 दिन की ट्रिप पे बाहर जा रहे हो या फिर आप 1 महीने की ट्रिप पे बाहर जा रहे हो, मुझे लगता है ये जो मेकअप का सामान और स्किन केयर ये इतनी हो जाती है कि वो बराबर ही लगती है। आपको लिपस्टिक, लाइनर, कुछ बहुत हल्का फुल्का मेकअप ये कैरी करना पड़ता है, चाहे 2 दिन के लिए जाओ चाहे आप 1 महीने के लिए जाओ। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बैग लगभग उतने ही साइज़ का रहता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने लिप लाइनर, लिपस्टिक, काजल, मेरा जो आई शेडो पैलेट है वो मैंने रख लिया है, उसके बाद जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है और एक दो चीज़ें रखी बट उनको मैंने उतना यूज़ नहीं किया, साथ ही मॉइस्चराइज़र रखा है जो हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं एवरीडे वो रखा है, बड़ा रिफ़्रेशमेंट मिलता है उससे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सनस्क्रीन है क्योंकि हम बहुत धूप में घूमने वाले हैं, वो सिंदूर की डिब्बी, लिप मॉइस्चराइज़र जो होता है वो, लिप बाम, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली एक जगह निकाल करके। अभी इनको पैक नहीं किया था मैंने क्योंकि मुझे पता है अभी रेडी होते समय, अभी रेडी नहीं हुई हूँ ना, तो रेडी होते समय मुझे चाहिए होंगी ये सारी चीज़ें, तो इसलिए बाहर ही रखा है, यहीं से उठा के रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं उसके बाद पैक कर दूँगी।
बैग यहाँ पे ये छोटा वाला मैं कैरी कर रही हूँ और इसके अंदर बड़े अलग अलग कंपार्टमेंट हैं जिसमें बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती हैं, पाउचेस वगैरह ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो छोटे छोटे आगे दो पाउच हैं उनमें थोड़े से वाइप्स, एक टॉफ़ी रखी है, कुछ चेंज रखे हैं, कुछ वेट वाइप्स रखी हैं मैंने। वेट वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं, रास्ते में जब आप खाना वगैरह खाओ हर जगह रुक के आप हाथ नहीं धो सकते हो, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पर्स में हमेशा रहता ही है वेट वाइप्स, बहुत अच्छा होता है। आपके हाथ एकदम ऑयल, मतलब ऑयल हट जाता है हाथों से, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, इनको यूज़ कर लो तो। और ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा भी करते जा रही थी, साथ साथ खाने की भी तैयारी कर रही थी। पूनम को थोड़ा जल्दी बुला लिया था मैंने और खाने में हेल्प करने के लिए उसे बोल दिया था। हालांकि आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, आटा मैंने लगा के रख दिया था, सिर्फ जो है ना मुझे आलू की जो लहसुनी कचौरी होती है वो और चटनी मेरे घर में ऑलरेडी है, तो चटनी और वो लहसुनी कचौरी वही मैं पैक करके लेकर जा रही हूँ लंच के लिए, क्योंकि 12 के करीब हम लोग का प्लान है निकल जाने का। तो थोड़ा सा भिंडी की भुजिया बनवाई मैंने उससे, थोड़ी सी बस जरा सी भिंडी पड़ी थी, वो कटी हुई रखी थी, ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने बोला कि तुम ये बना दो। और जब हम कचौड़ी फ्राई कर रहे होंगे ना, छान रहे होंगे, तो उस समय दो लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरा हेल्प करवा दो। तो वो भी किचन में मेरे साथ लगी हुई है, भिंडी उसने छौंक दी है, आलू वो मसल के तैयार कर रही है कचौरी बनाने के लिए, और बहुत टेस्टी सी कचौरी बनी थी लहसुनी वाली। मैंने शेयर भी की एक बार रेसिपी, आज मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत हड़बड़ी में मैं काम कर रही थी, सोचा इसलिए बना के रख लेती हूँ। वैसे तो बीच में ढाबे वगैरह सब रहते ही हैं, लेकिन फिर पूरा दिन बाहर का खाते रहो इतनी गर्मी में तो वो भी ठीक नहीं है, तो कुछ घर का खाना रखना थोड़ा ज़रूरी होता है। और वैसे भी बड़ा खाने का मन करता है मेरा और सिद्धार्थ का, इसके पापा थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं रास्ते में, लेकिन हम दोनों मुँह चलाते ही रहते हैं, कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो इधर थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए अपने लिए, मतलब चारों के लिए बनाई, पूनम मैं और सिद्धार्थ और उसके पापा भी आ गए थे अकेडमी से, तो फिर वो भी कुछ डिमांड कर रहे थे कि मम्मा कुछ पीने को दो, कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, तो कॉफ़ी यहाँ पे मैंने बना ली है, वही आइसक्रीम और वो सब डाल करके, यमी वाली बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइनली सारा खाना रेडी हो गया है। आलू की ना कचौरी बनाई है मैंने, तो इसमें काफ़ी सारी हैं, कम दिख रही हैं ऐसे देखने में, लेकिन हाँ हमारा अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ फ्रूट्स रखे हैं मैंने, खीरा, इसी के अंदर चाकू और पीलर भी रख दिया मैंने, और मैंगोज़ भी हैं। यहाँ पे है ये पुदीना की चटनी, थोड़ा सा पोहा सुबह बना था तो वो बचा हुआ है, इसके अंदर है भिंडी का भुजिया, स्पूंस, ये पानी की बॉटल, और जो डिस्पोजेबल्स होते हैं ना वो भी मतलब रख लिए हैं, अभी रखूँगी, और इसको अभी ढक नहीं रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसलिए। कितना भी कोई आपकी हेल्प करे ना, चीज़ें जो सोच सोच के रखना पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिमाग को थका देता है। चाहे आप दो दिन के लिए कहीं जा रहे हो, बट पूरी फैमिली से जब आप जाते हो तो सबकी चीज़ों का ध्यान कहीं ना कहीं आपको ही रखना पड़ता है। सारी चीज़ें रख के जब घर से निकल जाओ तभी एक लेडी को रिलैक्स मिलता है, जब आप जाके गाड़ी में बैठ जाओ, आपका सफ़र शुरू हो जाए, तभी आपको लगता है अरे अब हम रिलैक्स हो गए। किसी भी ट्रिप से पहले हमेशा मुझे लगता है एक हाउसवाइफ का, या फिर मतलब एक जो घर की लेडी मेंबर होती है उसका कुछ ऐसा ही हाल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को पैक करना, सबके सामान, सबकी जो नेसेसिटीज़ होती है उनका ध्यान रखते हुए चीज़ों को कैरी करना। तो बस सारे बैग्स हमारे तैयार हो चुके हैं, और मैंने छोटे छोटे अलग अलग बैग लिए हैं, किसी एक बैग में सारा सामान नहीं रख लिया मैंने, क्योंकि उसका कुछ रीज़न था जो मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी। पापा बाहर सफाई कर रहे हैं शीशों की, मैंने दूसरी ड्रेस पहनी पहले, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने चेंज कर ली। पापा यहाँ पे अच्छे से पापा यहाँ नहीं हुआ यहाँ यहाँ पापा यहाँ 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 अच्छा तुम पापा से
मजाक कर रहे हैं बेचारे, शीशा साफ कर रहे हैं तो मजाक इज वेरी एक्साइटेड। रास्ते के लिए बहुत एक्साइटेड है कि रास्ते में खूब मस्ती करेंगे, खूब मजे करते हुए हम जाएंगे, है ना। 4 घंटे का रास्ता है पूरा। अरे पूरे अच्छा गियर मत लगा देना। ठीक है राधे 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 राधे। चल दिए हम लोग अपने सफर पे, बस खेल रहे हैं अच्छे से, हम लोग बढ़िया से पहुंच जाए, दर्शन हो जाए। किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले कुछ बेसिक दवाइयाँ रखना बहुत ज़रूरी है, लाइक फीवर का, सर दर्द का। हमारी जो सर दर्द की दवाई वो ख़त्म हो गई थी, और हमें अक्सर रोड पे जब हम थोड़ा लंबा सफ़र करते हैं, मुझे और हस्बैंड दोनों को थोड़ा सा माइग्रेन हिट कर ही जाता है, और हुआ भी ऐसा। जाते समय हस्बैंड को टैबलेट खानी पड़ी और वापसी में मुझे खानी पड़ी। तो सारी जो नेसेसिटी मेडिसिन थी वो भी मैंने ले ली हैं, और एक्सपायरी वगैरह चेक कर लिया। साथ में नींबू क्यों नहीं लाया मैंने, 4 वाला था, 2 क्यों लिया? मम्मा ने बोला था मुझसे मत बोला आप कुछ। मैं नहीं जा रहा, जो ले आऊं क्या? रोटी भी लाया है ये, फिर रोटी तो यही पिएगा ना। क्यों हम भी पिएंगे? सबसे बढ़िया चीज नींबू है, उसी को तुम लोग नहीं पीते हो। गाड़ी पर टाइम दिखा दो, 12:30। सील बेल्ट बांध लो सब लोग, 10-15 मिनट बाद खाना स्टार्ट होगा। तुमने बांध लिया? मैं बांध ही रहा। 12:30 हो चुके हैं, निकल चुके हैं हम अपने सफर पे एकदम फाइनली, और यहाँ पे सिद्धार्थ की एक पैंट सूख रही है। ये देखो थोड़ा अजीब सा लुक है, कोट लगाते हैं लोग कोट लगा के रखते हैं, हम लोगों ने इसके ये कैपरी लगा के रखी हुई है। कोट नहीं लगा सकता एक्चुअली सूखा नहीं था, मैंने मॉर्निंग में ही वॉश किया ना, सूखा नहीं था, हल्का हल्का गीला था, तो मैंने कहा चलो यही पैसे लटका देंगे, गाड़ी में सूख भी जाएगा। बहुत हल्का गीला है ना के बराबर। नाइट्रोजन भरवाई लेकिन स्टेप भूल गया मैं, स्टेपनी में भूल गए भरवाना, तो अभी पीछे है तो नाइट्रोजन सुई नाइट्रोजन ही भरवा लूं क्या पीछे? देखो कितने खुश हो तुम सिद्धार्थ, सफर नहीं हो रहा, मैं ये सब देख रहा हूं, मेरा मन कर रहा है खोल दूं मैं। नाइट्रोजन नहीं खराब है, इतना खाने पीने का हम सामान लेके आए हैं ना, आते ही हमने अपने दो घंटे का सफर में 2 साल का सामान रख लिया है। मन चीज बहुत रख ली है, मैं बना के भी ले आई हूँ, फ्रूट्स भी लाई हूँ, सैलड भी लाई हूँ, बहुत कुछ लाई हूँ, सबको लेके चल रहा हूँ मैं अपने साथ। खीरा लेकर आई हूँ, चाकू भी लाई हूँ, छीलने के लिए पीलर भी लाई हूँ। इसी बात पे बोलो राधे राधे राधे, खाते पीते पहुँचेंगे। यहाँ हमारे टेढ़े मेढ़े और वहाँ पे पॉपकॉर्न, पता नहीं क्यों सफर में लेकिन खाने का बहुत मन करता है। आज तो गाड़ी के सफर में नहीं बेटा, ट्रेन में भी बहुत मन करता है खाने का। और बाकी बिहारी की कृपा से हमारी ट्रिप दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी रही। एक छोटी सी दिक्कत आई थी जो आगे मैं डिस्कस करूँगी, बस उसको छोड़ करके बहुत खुशी हम लोग गए, अच्छे से दर्शन किए और वापस आए। और ये हो गया हमारा लंच टाइम, हस्बैंड थोड़ा सा खा के आए थे घर से, तो कभी हल्की गर्म मतलब ठंडी भी है तो गर्म हो रही है मेरे धूप से गर्म हो रही है। खाओ बहुत यम्मी बनी है, बेहतरीन। ये है गार्लिक वाली कचौड़ी, आलू कचौड़ी।
खूब अच्छे से गाना वाना गाते हुए इंजॉय करते हुए हमारा रास्ता कट रहा था। काफ़ी मज़ा आया ये वाली ट्रिप पे। और कुछ एक 60-70 किलोमीटर हमने कवर किए होंगे। उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी में दिक्कत आई, ये वही प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी। दिक्कत कुछ ऐसी बहुत मेजर नहीं थी कि हमें मैकेनिक को बुलाना पड़ा हो या ऐसा कुछ, कुछ हल्की ऐसी दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा हम बीच में गैप दे के चलेंगे ताकि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। और बीच में एक जगह हमने दिखाया भी था तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया। और फिर आप ऐसे अनजानी जगह पे ना गाड़ी एकदम ओपन भी नहीं करवा सकते कि हर चीज़ खोल के आप देख लो क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जैसा मैंने कहा कि हमें ये कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, बट फिर भी हम रास्ते में बीच बीच में एसी वगैरह बंद कर दे रहे थे, थोड़ी देर 10-15 मिनट का गाड़ी को रेस्ट दे रहे थे और फिर आगे बढ़ रहे थे। तो इसकी वजह से ना थोड़ा 30-40 मिनट 50 मिनट का हमारा जो टाइम है वहाँ पहुँचने का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बीच में हमें कई जगह हम रुक रुक के आ रहे थे थोड़ा सावधानी बरतने के चक्कर में। और फिर हम पहुँच गए वृंदावन। ये हमने यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से छोड़ दिया था और वृंदावन की तरफ निकल गए थे जहाँ से वहाँ एंट्री होने वाली थी। और यहाँ से फिर वो जो एक अलग ही वाइब स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको कहा था ना कि हमने अलग अलग छोटे छोटे बैग बनाए। एक तो इसका रीज़न ये है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से सेग्रीगेट रहती हैं। जैसे एक में मैंने वाटर बॉटल रख दी थी सारी, एक में खाने पीने का सामान था, एक में हमारे वो कपड़े थे जो मतलब वहाँ जाके हमें चेंज करने थे, एक में वैसे कपड़े थे जो हमें जैसे नाइट ड्रेस हो गया, टॉवल हो गया, वो सब था। तो एक तो ऐसे चीज़ें भी सेग्रीगेट हो जाती हैं। और दूसरा हमने सुना था कि वृंदावन में जहाँ मंदिर वगैरह है वहाँ पे एंट्री नहीं होती है, आपकी गाड़ी को पहले ही रोक लिया जाता है। और वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करके और उसके बाद होटल रूम तक आपको रिक्शे वगैरह से जाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि छोटे छोटे बैग्स रहेंगे ना तो सब लोग अच्छे से कैरी कर लेंगे, अदरवाइज़ एक बैग एक आदमी के लिए काफ़ी हैवी हो जाएगा। बट थैंकफुली भगवान जी की कृपा से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और हमें रोका ही नहीं गया और हमारी गाड़ी होटल की पार्किंग तक पहुंच गई। तो यहीं पर हमने पार्क किया, सामान निकाला और रूम में पहुंच गए। तो बहुत ही छोटा सा रूम है, इतना छोटा रूम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमें रूम का क्या करना है, सिर्फ एक रात हमको स्टे करना है नाइट में, बस उसके लिए रूम लिया है। ये रहा, ये बेड। चलो बेस्ट टेस्टिंग टाइम आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉफी टेबल भी लगा रखा है इन्होंने। टीवी भी है, कॉफी भी बना सकते है, गर्म पानी पी सकते हैं। अलमीरा है लगेज रखने के लिए नीचे, ये अलमीरा। नहा लू मैं तो ऐसे ही तोड़ दे रही हूँ रूम का। छोटू सा फ्रिज है यहाँ पे जिसके अंदर पानी वानी की बॉटल है, कूड़ा भी है। चलो मुझे बेड टेस्टिंग कर देगा। कूड़ा भी है और इसकी बेड टेस्टिंग हो रही है। कैसे करोगे? मुंह मत खोलने वाले बेड टेस्टिंग करते हैं। अरे यार कितना फ्लफी है। बहुत ही फ्लफी वाला बेड है। बस हो गया। अरे बेटा खराब मत कर। कितना फ्लफी बेड है यहाँ पे। फटाफट मिरर है यहाँ पे, ऐसे कोई व्यू नहीं है। व्यू ऐसे ही है बस, कुछ ऐसा नहीं है। ये बाथरूम छोटा सा बाथरूम लेकिन साफ सुथरा। इधर शावर है। सही है, साफ सफाई बस होनी चाहिए। वो है बस, वही लगता है कि साफ सुथरा हो सब। सिद्धार्थ यहाँ पे लेट करके पूरे कमरे में कमियां निकाल रहा है। फैन भी अच्छे से साफ नहीं है। कि इसमें कहाँ फॉल सीलिंग लिटरली लटक क्या रही है वहाँ से। वहाँ से लिटरली लटक रही है। पेंट थोड़ा सा छूटा हुआ है। फॉल सीलिंग नहीं लटक रही, थोड़ा पेंट छूटा हुआ है। लटक रही है अरे इतना अच्छा रूम है, तुम फालतू बकवास कर रहे हो। मैं भी हो गई हूँ रेडी। ये वाला सूट जो मैंने बोला था ये पहना है, एकदम रेडी। और बस आके आराम आराम कुछ नहीं किया, बस रेडी हो गए हैं क्योंकि हम लोग पहुँचे यहाँ पे 4:05 पे और चेक इन होते होते 4:15 बज गया था। और अभी कितना हो रहा है, अभी तैयार होते होते 5:10 हो रहा है। तो जस्ट हम तैयार हुए हैं और थोड़ा सा कुछ कुछ हमने खाना खाया है बस, जो लेकर आए थे वही।
चाय पीने का मन है वो बाहर जाके पियेंगे। हमारे बाबू सोना तैयार हो रहे हैं। बाबू सोना रूम हमने फैला दिया अच्छा खासा। ये होटल क्या है? कॉफी है ये? क्रीमर है बेटा। और हम निकल चुके हैं अभी प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर के बारे में बहुत सुना है और बहुत बहुत एक्साइटेड हैं हम उसे अपनी आंखों से देखने के लिए। बराबर सही बैठेगा। यहाँ पे तो बंदर वगैरह भी होते हैं ना? इसके अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी प्रेम मंदिर, जो कि बस पूछो ना अद्भुत लगा देख करके। बहुत बहुत अच्छा लगा। पूरा नाइट तक जो लाइटिंग वगैरह होती है वो सब हमने देखी। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए हमें यहाँ से ना पैदल हमको चलना पड़ रहा है, आधी दूरी रिक्शा मिला बोला 100 मीटर, लेकिन 200 मीटर कितना सा झूठ बोला ऑटो वाले ने। 100 मीटर बोला लेकिन है थोड़ा सा ज्यादा है, करीब करीब 200 मीटर है।